खबर देखने से पहले इस चैनल को यहाँ क्लिक कर इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाकर सभी खबरें सबसे पहले पाएं। एजुकेशन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और हर तरीके का एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है। आज हम लोगों ने फिल्म स्कूल वालों को फेलिसिटेट किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा और आज का थीम बहुत अच्छा था। देशभक्ति, देश प्रेम हम लोगों को याद दिलाता है कि रोज़ हमें अपना देश याद करना चाहिए और हमेशा उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, तो बहुत अच्छा लगा आज। मैं भी यंगस्टर हूँ तो मुझे दुख होता है कि ऐसा लोग सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आई एम श्योर कहीं ना कहीं हर यहाँ पे हिंदुस्तानी अपने देश के लिए गर्व महसूस करता है और हमेशा अपने देश से प्यार करेगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि हमारे नौजवान अभी सिर्फ एंटरटेनमेंट, ग्लैमर और फन लाइफ चाहते हैं। आज भी हर नौजवान में वो जज्बात हैं, वो जोश है अपने देश के प्रति, अपने देश के लिए कुर्बान करने के लिए कुछ भी। मैं मानती हूँ इस बात को, तो आई डिसएग्री कि नौजवान आजकल नहीं मानते उतना। आई डिसएग्री। जो शॉर्ट फिल्म का जो दौर आया है, नया दौर है, हाँ ये कह सकते हैं आप कि आजकल नौजवानों के पास धीरज नहीं है और उनका जो अटेंशन स्पैन है बहुत छोटा है, तो शॉर्ट फिल्म उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो शॉर्ट फिल्म 8 मिनट से लेकर 15-16 मिनट तक होता है। आज भी हम लोगों ने 10 शॉर्ट फिल्म्स देखी, वो भी पेट्रियटिज्म के सब्जेक्ट पे। एक्टिंग प्रदर्शन दिखाने के लिए शॉर्ट फिल्म बहुत बढ़िया रहता है कोई किसी भी एक्टर के लिए, क्योंकि अगर आप शॉर्ट फिल्म में अच्छा बखूबी अपना रोल किरदार निभा सकते हैं तो फिर फीचर फिल्म में तो निभा ही सकते हैं। और शॉर्ट फिल्म में कहानियाँ बहुत अच्छी होती है। आज भी मैंने देखा कि कहानियाँ हर तरीके के और हर लहजे में थे, तो आई थिंक शॉर्ट फिल्म में सबसे बढ़िया जो बात है वो कहानी है। कहानी अलग अलग तरीके की होती है। सर, तो आप सभी ने इंडियन आर्मी को जो हमने ट्रिब्यूट किया, आप सभी ने वन फॉर ऑल फॉर वन का कार्यक्रम देखा होगा। अथर्व ऐसे ही माध्यमों से, अलग अलग विविध माध्यम से अपनी देश की जनता को जोड़ता है। ये हमने पेट्रियोटिक फिल्म फेस्टिवल यानी देशभक्ति और देश प्रेम पे आधारित एक शॉर्ट फिल्म, उसका एक फेस्टिवल का आयोजन अथर्व फाउंडेशन और अथर्व कॉलेज ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन ने किया था, जिसके माध्यम से आज उसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अब सभी ने देखा, जो पहली फिल्म थी जिसमें मिलिंद सोमन और यादव, जो हम सभी जानते हैं, दोनों मंझे हुए कलाकार हैं, ऐसी मुक्ति नामक एक फिल्म को पहला अवार्ड दिया गया। और ये पेट्रियोटिक फिल्म फेस्टिवल इसके लिए है कि जो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के जो नए होनहार स्टूडेंट्स या विद्यार्थी आते हैं, उन विद्यार्थियों को कुछ ना कुछ ऐसा करने का मौका मिले जिसमें अगर एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म बनाने का मौका मिले, तो उस शॉर्ट फिल्म में इस देश के लिए, देशभक्ति के लिए, देश प्रेम के लिए, त्याग के लिए, साहस के लिए ऐसा कुछ हो जो 15-20 मिनट में वो दिखा सके। और मैं ये कहता हूँ कि अथर्व ये पहल और ये कोशिश लगातार करती है कि अपने हिंदुस्तान के नागरिकों में देशभक्ति और देश प्रेम बढ़ता रहे, आगे चलते रहे और देश के सैनिकों का हम सम्मान करते रहे। इसके लिए यह हमारा कार्यक्रम देश के सैनिकों के प्रति अर्पण किया हुआ कार्यक्रम तो होता है। स्टूडेंट्स को यह मौका मिलता है इनसे बात करने का, अलग अलग लोग यहाँ पर आते हैं, न बल्कि सेलिब्रिटीज आते हैं यहाँ पर, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हर व्यक्ति आता है, साइंटिस्ट आते हैं, टेक्नोलॉजिस्ट आते हैं, स्ट्रेटेजिस्ट आते हैं, मैनेजमेंट के लोग आते हैं, MNCs के चेयरमैन आते हैं, सेलिब्रिटीज़ भी आते हैं, स्पोर्ट्समैन आते हैं। अथर्व अलग अलग माध्यमों से सभी जगहों के साथ जुड़ा हुआ है। स्टूडेंट्स को मौका मिलता है ऐसे लोगों से मिलने का, इनसे कुछ जानकारी लेने का, इनसे नॉलेज शेयर करने का। आने वाले समय में जैसे आपने देखा है अथर्व अलग अलग चीज़ें करता है, जैसे हमने आने वाले 100 दिनों में एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है 100 Days 100 Computers to the Martyrs' Daughters। ये पहला ऐसा कार्यक्रम है जो देश के विभिन्न शहरों में और विभिन्न गाँवों में जाते हुए जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, जो उनके घर में छोटी बच्चियां हैं, उनको पढ़ाने का एक नया तकनीकी का कार्यक्रम हमने लिया है जिसका नाम है विदिन 100 Days 100 Computers to 100 Martyrs' Daughters। और ये पहला ऐसा कार्यक्रम है जो
जो देश के कोने में, चाहे उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, सिक्किम हो, मणिपुर हो या असम हो, ऐसे दूर गांव क्षेत्र में बसे हुए हमारे शहीद परिवार के घर में छोटी बच्ची को पढ़ाने का कार्यक्रम अथर्व कर रहा है। तो मैं मानता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में ये पहला इंस्टीट्यूशन ऐसा होगा जो अपने सैनिकों के प्रति सम्मान और इस देशभक्ति और देश प्रेम से प्रेरित होते हुए इस नागरिकों के प्रति और अपने देशभक्त सैनिकों के प्रति सम्मान की भावना से जुड़ा हुआ।